टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग घेतले, सूर्य अनेक दिले पण तोंडरे या संघाला। लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या जोया इलेवन वेलकम उसडणे, वेळ फार कमी आपल्याकडे। अगोदरच एक मॅच बॅलन्स आहे, संदर्भ संघ पहिला सामना जिंकलाय, थांबलाय अजून, परंतु कदाचित ते गेले तरी चालतील असंच चित्र आहे, कारण इथून नेक्स्ट मॅच थोडं फार मुश्किल असेल। ते लवकर सुरुवात करूया आपण। गोलंदाजी मार्गवर मात्र पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होते। संकेत पाटील सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। आकाश पाटील आणि सुनीत पाटील संकेत तयार। संकेतचा पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र इनफील्डच्या वरतून, सर्कलच्या वरतून हा फटका खेचला आहे, कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना बॉल मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, परंतु तिथे लागला असेल तर प्लीज चेक करा। पाणी पाणी पाहिजे। थोडं सावधानतेनं करा, कारण मॅच पेक्षा आपल्याला आयुष्य इम्पॉर्टंट आहे, आरोग्य इम्पॉर्टंट आहे, कारण इंजरी जर झाली तर मात्र आपला सीझन फुकट जातो बऱ्याच वेळा, त्यामुळे ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे। लेट कट करण्याचा प्रयत्न, तर जंटल टच केला होता, शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस खुलला आणि जाऊ दिलं होतं बॉलला गलीमध्ये, मात्र बॉलची फील्ड केली जाते। धावसंख्या एकने पुढे चालले, ते पाच ही आकड्यावर, फाईव्ह रन्स ऑन अ बोर्ड। तर राजाजी कातारा नेवाळे यांना विनंती आहे की आपण मंचावर यावं। संकेत या, संकेतचा कुटप्प्याचा बॉल पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेला, इथे मात्र अपयश आलं, बॉल आणि बॅटचा संपर्क होताना दिसत नाही आहे। फर्स्ट वॉर्न करत असताना गोलंदाज संकेतसाठी इथे निर्धाव चेंडूची सांगता। टच बॉल, सुनीत पाटील आहे स्ट्राईक एंडला, संकेत राईट मोर द विकेट ना, हा फटका यावेळेस मात्र ड्राईव्ह केलाय तो लॉंग ऑफ कडे, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये आणि आता मात्र झेलला जातोय, शून्यावर मात्र परतावं लागेल ते सुनीत पाटील या फलंदाजाला। भोपळा ही फोडून देता, मात्र पहिला धक्का बसलाय तो अर्थातच तोंडरे टीमला। अडवा बॅटने यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय, ऑन साईडला डीप मिड विकेट क्लिअर करत असताना बॉल मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चार धावांसाठी चौकार। हा दुसरा चौकार आलाय आणि चांगली साथ द्यावी लागेल चारोच्या मॅचमध्ये, मात्र टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग स्वीकारले, संध्याकाळचं सत्र आहे त्यामुळं चांगल्या धावा उभारून संध्याकाळच्या अंधुक प्रकाशामध्ये मात्र टार्गेट देण्यात यावाने हाच विचार करून मात्र तोंडरे संघाच्या कॅप्टनने मात्र हा निर्णय घेतलाय, परंतु या निर्णयाला साजेशी कामगिरी करावी लागेल आणि आत्ता सद्यस्थिती पाहिली तर आकाश पाटील मात्र चांगली सुरुवात करतोय सूर्य अनिकेत इलेव्हन तोंडरे टीमसाठी। गोलंदाज तयार, संकेत पहिलं षटक आपण पाहतोय प्रगतीपथावर असताना, आत्तापर्यंत या ओव्हर्समध्ये धाबा आल्या त्या नऊ धाबा। लेंथ बॉल होता इथे, मात्र पाहायला गेला तर थोडंसं शरीरापासून दूर ठेवला होता झेंडू आणि टप्पा पडल्यानंतर सुरळी अष्टरक्षकाचा वेध घेणारा डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता। पहिलं षटक समाप्त झालंय, संकेत पहिल्या षटकामध्ये नऊ धावा दिल्यात आणि एक फलंदाज मात्र बाद केलाय। दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर, वेळ फार कमी आपल्याकडे, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये
दुसऱ्या इनिंग मध्ये मात्र उसाटणे संघाला बॅटिंग करायची आहे, त्यामुळे उसाटणे संघ तुम्ही जेवढा वेळ क्विक मैदानामध्ये दाखवाल, कारण जर थोडासा अंधुक प्रकाश पडला तर थोडंसं कठीण होऊ शकतं शेवटच्या काही षटकांमध्ये, त्यामुळं ही शक्यता अगोदरच विचारात घेऊन जेवढा स्पीडअप करता येईल तुम्हाला, जेवढं क्षेत्ररक्षण जास्त चेंजेस नाही करता येणार असं पहा. तर गोलंदाजी मार्कवर मात्र दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज तयार विशाल पाटील. रोशनसाठी हा बॉल या वेळेस मात्र स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड साइड स्क्रीनच्या वरतून उडवलं या बॉलला 6 धावांकरता. क्लास फटका षटकार. षटकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या 15 जाऊन पोहोचले. यावेळचा हा फटका लॉंग ऑफ कडे चाललाय, सिंगल येते, एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये बदल होईल. चांगली पार्टनरशिप आता मात्र दोनही फलंदाजांमध्ये बिल्टअप होत असताना, एका बाजूला आपण पाहिलं आकाश पाटील ज्याच्या बॅटमधून 2 चौकाराच्या मदतीने 9 धावांवर तो खेळतोय, दुसऱ्या बाजूला रोशन पाटीलनं षटकारानं खातं उघडलंय, तो 7 धावांवर खेळतोय. आणि अशाच पद्धतीनं सेन्सिबल क्रिकेट सद्यस्थितीमध्ये मात्र स्वर्गीय अनिकेत लेबन तोंडरे टीमकडून सुरू आहे. व थोडासा स्लो रन करण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र उशिरानं पिक केला बॉलला, मात्र फक्त दिशातील एक कव्हर्सकडे खेळून काढला बॉल, एक रन मात्र त्या ठिकाणी ॲड होईल टोटलमध्ये आणि स्कोर कार्ड मूव्ह टू 17 रन्स. रोशन पाटील सज्ज होईल षटकरण खातं उघडले. विशाल पाटील पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. यावेळचा बॉल प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळला जाण्याचा हा प्रयत्न, वाईट लाईनच्या खूपच बाहेरून जाणारा बॉल, पंचांनी मात्र सुवैर दाखवला आहे आणि वाईट बॉलचा इशारा मात्र दिला आहे. आमची गुणसंख्या लेखक करेन पाटीलनं मात्र ही धाव आपल्या धावफलकामध्ये टिपले आणि धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती 18 18 रन्स. डाऊन द विकेटनं लेंथ बॉल होता, यावेळेस मात्र आडवा बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, टप्पा पडल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा निर्धाव चेंडू. तट बॉल सकाळच्या सत्रामध्ये वेताळ स्वामी संदप संघ 2 सामने जिंकलाय, त्यानंतर कौरी स्पोर्ट्स नेबाळी संघ 2 सामने जिंकलाय आणि इथे मात्र दुसऱ्या फेरीतली लढत, इथे मात्र अगदी हलक्या हातानं बॉलला उडवलं होतं आणि तो झिल्ला जातोय, तो बॅडॉनच्या दिशेमध्ये बॅट्समन आउट होईल. रोशन पाटील एक सॉफ्ट डिसमिसल आपण पाहिला, दुसरा धक्का बसलाय स्वर्गीय अनिकेत इलेवन तोंडरे. रोशन पाटील बाद झाल्यानंतर मात्र नवीन फलंदाज येतोय, तो सूरज पाटील. शेवटचा चेंडू असेल, विशाल पाटील सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता परंतु त्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी आत्तापर्यंतचा विचार केला मागच्या 4 बॉलवर, तर 3 धावा देताना एक महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा आपल्या नावावर केले. ओवर द विकेट ना, इथे मात्र टॉपेज फटका फसलाय, बॉल हवेमध्ये पॉइंटला चेलला जातोय, आणखीन एक धक्का बसलाय तोंडरे टीमला. फलंदाज क्रमांक 3 यावेळेस मात्र सलामीवीर आकाश पाटीलच्या खेळीचा अंत होतोय आणि हा लागलेला मोठा झटका. त्या 9 धावा, दोनही गोलंदाजांनी 9-9 धावा दिल्यात. 18 धावा धावफलकावर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय हा स्कोर कार्ड. गोलंदाजी मार्कवर तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी सागर पाटील या गोलंदाजावर.
तीन प्रमुख फलंदाज बाद झाल्यानंतर आता मात्र आपण पाहतोय सूरज पाटील आणि पाचव्या क्रमांकावर मात्र आदिनाथ पाटील। मागच्या मॅच मध्ये कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती आदिनाथ पाटीलची, कोदून काढला या बॉलला कव्हरच्या दिशेमध्ये, डीप कव्हरला मात्र प्रोटेक्शन आहे। पहिलाच रनचं रूपांतर यावेळेस मात्र दुसऱ्या धावेमध्ये केलं जाते। दोन रन सुंदर रनिंग बेटी विकेट म्हणावी लागेल दोनही फलंदाजांमध्ये आणि या दोन धावांच्या बरोबरीने धावसंख्या पुढे जाईल ती 20 वर। 20 रन्स ऑन द बोर्ड। संध्याकाळचं सत्र आहे, दुसऱ्या फेरीतील ही मॅच आपण पाहत आहे। स्वर्गीय अनिकेत 11 तोंडरे टीमनं टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॅटिंग घेतले आणि चित्रक्षण करणारा संघ आपण पाहतोय झोया 11 वेलकम उसाटने। लव फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र ऑन साईडला प्रहार पाहायला मिळतोय, डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन आहे त्या ठिकाणी, एकच येईल सिंगल रन। मोठे फटके खेळावे लागतील संध्याकाळच्या सत्रामध्ये। ही धावसंख्या 4 ओव्हर्समध्ये 45 पुढे गेली तर नक्कीच थोडंसं कठीण होऊ शकेल। झोया 11 वेलकम उसाटने टीमला, चांगली भक्कम फलंदाजी जरूर आहे परंतु सत्र संध्याकाळचं आहे, थोडासा अंधुक प्रकाशाचा फायदा मात्र घेता येणार आहे ते तोंडरे टीमला। वेगानं सुसाट वेगानं मात्र टाकलेला हा बॉल मात्र बीट करून चाललाय तो आदिनाथ पाटीलला। चट बॉल सागरचा हा बॉल, इथून मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू, टॉट बॉल आदिनाथ पाटील, दोन चेंडू मात्र निर्धाव खेळतोय। ओव्हर द विकेट ना प्रॉपर कनेक्शन नव्हतं, बॉल मात्र शॉर्ट मिड विकेट कडे सरकला, एकच येत आहे आदिनाथनं अखेरीस खातं उघडले तिसऱ्या चेंडूवर। धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती आता मात्र 22। ते मात्र आणखीन एक निर्धाव चेंडू, अप्रतिम ओव्हर मात्र पाहायला मिळाली सागर पाटील मॅच मध्ये मात्र थोडीशी स्थिती भक्कम करतोय झोया 11 वेलकम उसाटने टीमसाठी। आणि या ओव्हर्स मध्ये आल्या फक्त 4 धावा, 3 षटकांचा खेळ संपलाय, धावफलकावर धावा लागल्यात त्या फक्त 22 धावा, 3 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये चौथ्या षटकाचा खेळ बाकी। तर चौथा आणि अंतिम षटक घेऊन मात्र गोलंदाजी मार्कवर शाकाल भंडारी येतोय। राऊंड द विकेट ना हा बॉल, भन्नाट अपील पाहायला मिळते, अपील मात्र पंचानी नाकारले आणि लेग बायचा इशारा येतोय। वेलकम फोर, चौकार येतोय, नशिबाचा चौकार आपण म्हणूया परंतु गरज होती धावांची, ती तोंडरे संघाला मिळतात 4 धावा। 26 चौकाराच्या मदतीनं मच निडेड रन्स होत्या इथे, मात्र अपील पाहायला मिळाली होती लेग बिफोर द विकेटची परंतु पायाला ब्रश होऊन बॉल मात्र सरळ गाठली फाईन लेग सीमारेषा। पहिलाच बॉल शाकालचा, यावेळेस मात्र चौकार देऊन जातोय तो तोंडरे संघाला धावसंख्या 4 ने पुढे ती 26 वर। शाकाल भंडारी पुन्हा एकदा सज्ज होईल, लो फुल टॉस बॉल, इथे मात्र यष्टीरक्षक चकला, मागचा यष्टीरक्षक चकला, बॉल लॉंग स्टॉप चाललाय, बॅटची एज घेऊन मात्र यावेळेस आदिनाथ पाटीलची सीमारेषेच्या पलीकडे बॉल चाललाय 4 रन करता या 8 धावा आता मात्र बळ वाढवतात त्या तोंडरे टीमसाठी। राऊंड विकेट ना यावेळेस स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय पॉइंटला, मात्र फिल्डर नाहीये, प्रोटेक्शन नाही त्या ठिकाणी, कव्हर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येणार तोपर्यंत मात्र चेंडू न गाठले थेट सीमारेषा,
बैक टू बैक बाउंड्रीज ये असताना आता मात्र थोड़स नव चैतन्य निर्माण झाले तोंडरे संघाच्या स्क्वाड मध्ये कारण लगातार तीन चौकार आले आणि धावसंख्या मात्र पोहोचून ठेवले ती 34 या आकड्यावर। मागचा सामना आपण पाहिला असेल अंबिका चौक संघाच्या विरोधामध्ये तर शेवटच्या षटकामध्ये 23 धावा आल्या होत्या तेव्हाच तोंडरे संघ मात्र पुढे सरकला होता। आता ही तेज घडते शकाल भंडारीच्या या ओव्हर मध्ये अगदी स्वतःला एक्झिक्यूट करून हा फटका खेचला फ्लिक केला होता रिशा सायन मनगटाच्या सायन बॉलला बळवलंय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला मात्र चेंडूची फील्ड करेपर्यंत तिसरी धाव या ठिकाणी कंप्लीट। प्रेक्षक आहेत त्या ठिकाणी डीजे काही दिसले आता फिल्डरच सांगेल तर लगातार तीन चौकारांचा खेळ पाहायला मिळाला पहिल्याही बॉलवर मात्र चौकार आलाय चार बॉल मध्ये 16 धावा आणि या सामन्याला मात्र कलाटणी देणारं षटक ठरलंय तोंडरे टीमसाठी। स्लॉगशिप करण्याचा वापर यावेळेस मात्र बॉल शॉट मध्ये विकेटला येतोय पहिली धाव वेगानं दुसऱ्या धावेसाठी मात्र फलंदाज धावबाद रनआउटच्या स्वरूपात आदिनाथ पाटील मात्र परततोय परंतु संघाची धावसंख्या मात्र नेऊन ठेवले ती 40 या आकड्यावर इट्स अ गुड टोटल। चार ओव्हरच्या मॅच मध्ये मात्र लढता येणारी धावसंख्या आता अखेरीस उभारले कारण तीन ओव्हर्स नंतर 22 धावा होत्या मागच्याही मॅच मध्ये हेच घडलं होतं अंबिका चौक संघाच्या विरोधामध्ये शेवटच्या ओव्हर मध्ये 23 धावा आल्या होत्या तोंडरे संघासाठी आणि आताही शेवटच्या ओव्हर्स मध्ये याच धावा महत्वपूर्ण ठरतील की काय या मॅच मध्ये असाच काहीसा प्रश्न आता मात्र उपस्थित प्रेक्षकांना पडला असेल। शाकाल तयार शाकालचा हा बॉल पाठवलाय सीमारेषा पार ठोकलाय शेवटच्या बॉलवर हा उत्तुंग असा फटका षटकार। नामवंत समालोचक प्रवीणजी दुगाडे यांचं हॅलो। तो मुकाबले के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत ये कहिए संजोग या फिर जीत के संकेत टीम अनिकेत स्मृति तोंडरे के लिए पिछला मैच भी लड़खड़ा रही थी पारी और आखिरी ओवर में 23 आए इस ओवर में भी इस मैच में भी चार ओवर के मैच में तीन ओवर की समाप्ति के बाद महज 22 रन थे उसके बाद आखिरी ओवर में 23 आए 45 बने और 46
रन बनाने हैं टीम उसाड़ने को। देखिए फाइटिंग टोटल तो बना है अनिकेत स्मृति तोंडरे के लिए, लेकिन उसाड़ने के बल्लेबाजों में भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने 18 की औसत से 90 रनों का पीछा रखा था सामने वाली टीम के सामने, 89 रन बनाए थे। जितना जल्दी हो सके मैच का ये सत्र शुरू करें, क्योंकि आज एक मैच इसके बाद भी होना है। ओवर शायद कम होंगे उस मैच के, लेकिन मैच जरूर होगा। सागर और नितिन पाटिल प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी, गेंदबाज तो 53,236 व्यूअर्स हमें मिले हैं आज के दिन WTC के माध्यम से। ये देखिए क्या गेंद डाली गई, लेकिन ये मिले चार। ये बाई का लेग बाई का नसीब वाला चौवा मिला। क्या रफ्तार भरी गेंद डाली थी गेंदबाज आदिनाथ पाटिल ने। बल्लेबाज सागर के पास जवाब तो नहीं था, लेकिन फील्डिंग अगर अच्छी होती तो आदिनाथ को ये जो गेंद डाली उन्होंने, जो रफ्तार भरी थी, उसमें सफलता जरूर हासिल होती। चार मिले नंबर लेग बाई के तौर पर। इस ओवर की दूसरी गेंद, 46 रनों का पीछा करना है, 42 की अभी भी दूरी। और ये देखिए लगातार दूसरी बाउंड्री हासिल करते हुए सागर फाइन लेग क्षेत्र से ही, हालांकि पहली बाउंड्री लेग बाई थी, ये बल्ले से आया है तो बल्लेबाज के खाते में चले जाएंगे ये रन। 8 रन हो चुका है, 46 का आपको पीछा करना है, उसमें से 8 रन आ चुके हैं, 38 रनों की अभी भी जरूरत है। चलिए पवेलियन से आवाज मत दीजिए, खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं मैदान पर। उसाड़ने के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, स्पोर्टिंग स्पिरिट दिखाइए। 8 रन शुरुआत अच्छी हो चुकी है, 46 का पीछा करते हुए गेंदबाज आदिनाथ करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद। और अंपायर से आर्गुमेंट नहीं किया जाता किसी भी खिलाड़ी द्वारा। देखिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड माना जाता है, क्रिकेट का देवता माना जाता है, ये क्यों? उन्होंने एक बाउंस गेंद के ऊपर डक किया, गेंद कंधे पे लगी, अंपायर स्टीव बकलर ने उन्हें LBW करार दिया। वो अंपायर की तरफ देखते रहे, हंसते रहे और पवेलियन गए। उन्होंने ये नहीं कहा भाई डक की हुई गेंद कंधे पे लगी, आपने LB क्यों दिया? तो इसीलिए वो देवता है। हम देवता ना सही, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश तो जरूर करेंगे। द गेम ऑफ जेंटलमैन इस खेल को जब माना जाता है। टोटल 9 रन, देखिए CA बनेंगे जरूर, हमारे स्कोरर मास्टर है। हर टीम का अकाउंट है उनके पास। ये देखिए कंधे का इस्तेमाल किया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वन बाउंस, इशारा करते हुए इसके बदले अंपायर आदिनाथ पाटिल अब ट्रैक पे आ चुके हैं। कई बड़ी प्रतियोगिता ये खेल चुके हैं, RPL जैसी प्रतियोगिता में आकाश तारेकरे की कप्तानी में खेल चुके हैं काफी कम उम्र में, तो वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पर इन्हें गेंदबाजी करनी होगी। वही उसाट ने जिस तरह पहला ओवर खेली थी पहले मैच में 38 सर्कल का, जिस तरह से उन्होंने फाड़ा था, वैसे अगर 38 सर्कल को ये दो बल्लेबाज फाड़ते हैं तो यकीनन ने ये रन जो बनाने उन्हें 46 आसान नजर आएंगे। लेकिन पहले ओवर की समाप्ति हुई, टीम का टोटल 9 रन, 9 के औसत से अगर ये टीम चलेगी तो 36 बनेंगे, 10 से पीछे रहेगी। अब रन बनाने हैं 36 12 के, 37 रन बनाने हैं अभी भी 46 का पीछा करते हुए 18 गेंदों में 12 से भी ज्यादा की औसत। टीम मीटिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं ये टोंडर टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद एक और मैच बाकी है। देखिए प्रथमेश पाटिल सुबह से इंतजार कर रहे हैं, मैच कब जीता भूल चुके हैं ये संदप के खिलाड़ी, कितने बजे मैच जीता उन्होंने, अगर ये उनसे पूछा जाए ना 11 के 11 खिलाड़ियों से, वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट कितने बजे हमारे खिलाड़ियों ने पहला मैच जीता।
18 गेंदें, 37 की जरूरत थी, वाइट बॉल आया, 12 की औसत से अब 36 बनाने होंगे। इस वक्त अगर उस अड्डे की तरफ से हम देखें तो प्लस पॉइंट उनका यह है, 10 रन बन चुके हैं, विकेट नहीं खोया। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी जो अच्छा कर रही है उनकी टीम के लिए, वो क्रीज पे मौजूद है। तो 18 गेंदे 36 रन, ये मुश्किल काम नहीं है, विकेट्स निकालने होंगे, एक दो विकेट्स तो जरूर निकालने होंगे तोंडरे टीम को। और ये गेंद हवा में है, क्या होने की संभावना, और देखिए ये विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी सागर पाटिल। कल 26 जनवरी है, मैं तो कल यहां पे नहीं रहूंगा, लेकिन हमारे वतन के ऊपर गाने होने चाहिए, वतन के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनके ऊपर अब गाने बजाने का वक्त आ चुका है आपके द्वारा। चलिए बगैर टाइम पास, क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी उसे मैच खेलने का मौका मिल सकता है, या लकी ड्रॉ के जरिए आगे जाने का मौका मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाज प्रतीक पाटिल, और ये छे यकीनन जिस अंदाज से गेंद बल्ले पर आई थी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और ये बेहतरीन छक्का दागा नितिन पाटिल ने। पिछले मैच में भी 38 सर्कल में उन्होंने लगभग 26 रन हासिल किए थे। छह की जो जरूरत थी टीम का, कुल टोटल 16 गेंदे, अब 30 रनों की जरूरत। यह लगातार दूसरा, सामने बिल्कुल गेंदे डाल रहे हैं, और टेनिस बॉल क्रिकेट में सामने गेंदे नहीं डाली जाती, विकेट निकालने के चक्कर में यहां पर दो छक्के खाए गेंदबाज ने। चलिए गेंद गई है, दूसरी गेंद दीजिए। चलिए ये देखिए, इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने गेंद को ढूंढा। टीम का टोटल 22 रन, अभी भी 24 की जरूरत है 46 का पीछा करते हुए, और गेंदे बची है 15। दो छक्के दागे निर्णायक मोड़ पे। और ये हमारी तरफ आता हुआ ये तीसरा छक्का, ऐसा नहीं होता हुआ, गेंद लग भी सकती है। हमने देखा था चैंपियन लीग में, सीपीएल में, गेंद सीधा आई, और 24 लाइव इवेंट्स के जो प्रोप्राइटर थे संदेश पाटिल सीईओ, उनके हाथ पे लगी थी छक्के की। लगातार तीन छक्के, क्या बल्लेबाजी हो रही है। पहले ओवर में आदिनाथ ने जिस तरह से ओवर किया, मुझे लगा कि शायद पिछड़ती भी नजर आएगी टीम उसाट ने, लेकिन तारीफ करनी होगी लगातार तीन छक्के लगाने वाले इस रण बांकुरे नितिन पाटिल की। आया आया, वही गेंद आपको दी जाएगी जिसके ऊपर आपने लगातार तीन बार नंबर लिखे हैं छे। ये देखिए, थोड़ा कवर्स में मारने की कोशिश की थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे गेंद गई, एक रन जरूर मिला। ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ, इस ओवर में विकेट भी मिला, लेकिन ये जो ओवर खेला है सागर ने वो वाकई काबिले तारीफ था, 46 का पीछा करते हुए। 20 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी इस ओवर की शेष है, और स्ट्राइकर एंड पे हम देख रहे हैं संकेत पाटिल।
पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच हीरो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, कवर्स में नंबर मिला अच्छे और एक छक्के ने इस मुकाबले को खोला है क्योंकि टोटल बना है 35, 12 गेंदे अब 11 रनों की जरूरत। थे उस समय भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बारह गेंदे 11 रनों की जरूरत बगैर टाइम पास। बार बार मैं कह रहा हूं कि इसके बाद भी एक मैच होना जरूरी है, फैसला आज ही चाहते हैं। प्रथमेश पाटिल भी चाहते हैं कि आज ही उनकी टीम का फैसला हो, राजेश कतारा भी चाहते हैं कि आज ही उनकी टीम का फैसला हो, जो कुछ भी होना है। और वही यहाँ पर जो टीम खेल रही है, जो जीतेगी वो भी यही चाहेगी कि आज ही के दिन इस टूर्नामेंट में हम है कि नहीं ये हमें पता चले। और ये विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी थे नितिन पाटिल, जिन्होंने पिछले ओवर में काफी अच्छा किया था, 3 छक्के दागे थे। मैच में देखिए, इस मैच की कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, 11 गेंदे अब 11 रन, एयर टाइट मैच। तो नए बल्लेबाज शाकाल भंडारी, ग्यारह रनों की जरूरत है, गेंदे बची है 11 रन, बॉल ये मैच है। ऐसे मैच में अगर एक आध 6 आते हैं ना तो मैच बिल्कुल एक तरफा होता है क्योंकि पूरी 6 गेंदे आपको एक्स्ट्रा मिलती है खेलने के लिए। और ये देखिए, ये जैसे ही बाउंड्री आई, फाइनल बाउंड्री के बाहर, आपको 3 गेंदे ज्यादा मिली रनों से, 11 गेंदे 11 का समीकरण था, 4 आए, 7 बने, 7 बनाने आपको 10 गेंदों में, 3 गेंदे आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे, ये होता है रन बॉल की सिचुएशन में। गेंदबाज को एक बाउंड्री भी परेशान कर सकती है। निवाड़ी के कप्तान को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, 10 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। संदीप के कप्तान को भी मैं बुलाना चाहूंगा, 10 गेंदे 7 की जरूरत, अब मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, 9 गेंदे अब 7 रनों की जरूरत इस विकेट के कारण।
के ही रहेंगे, क्योंकि एक बार गलती करे उसे इंसान, दोबारा गलती करे उसे शैतान, बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान, और उन सभी गलतियों को माफ करे उसे हमारा हिंदुस्तान कहा जाता है। तो संदीप, और संदीप के कप्तान तो हैं यहाँ पे नेवाड़ी के कप्तान, लकी ड्रॉ है भाई, लकी ड्रॉ। हाँ, नेवाड़ी और जीतने वाली टीम, 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत है उसाटने टीम के, चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं इस मैच में। ये देखिए ऊंचा खेला है कि नवा में कैच होने की संभावना, ये क्या किया, ये क्या किया, ये मैच खत्म नहीं होता। ये कैच अगर लिया जाता तो एक गेंद और इसके तहत शायद आखिरी गेंद तक भी पहुंच जाता। तो मैन ऑफ द मैच, स्कोरर और टेक्नीशियन बताएंगे हमें WTC के।